चलो दोस्तों यार देखो, आज की इस वीडियो में एम गेमर एप्लीकेशन की अनलिमिटेड रेफर बाईपास ट्रिक आप सभी को यहाँ पर बताऊंगा कि एम गेमर एप्लीकेशन से आप बिना कोई नंबर, आपके पास कोई नंबर नहीं होगा, आप अनलिमिटेड यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। 10 रुपीज करके आप अनलिमिटेड यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, जो कि आपके पेटीएम अकाउंट में आ जाएगा। और पेटीएम अकाउंट का लाइव प्रूफ भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैंने पेटीएम में परसों पेमेंट ली थी, जो कि मुझे कल यहाँ पर रिसीव हो चुकी है, वो भी अनलिमिटेड ट्रिक से, ठीक है। तो पेमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने पेटीएम को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पेटीएम ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद मैं अपनी पासबुक पर सिंपल सा क्लिक करता हूँ, और पासबुक पर क्लिक करने के बाद मेरा बैलेंस आप यहाँ पर देख सकते हो 49 है, और लास्ट पेमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर 10 रुपीज जो आई हुई है। और कहाँ से आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एम गेमर एप्लीकेशन की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो एम गेमर पेमेंट प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर एम गेमर एप्लीकेशन 10 रुपये यहाँ पर मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो को स्किप करोगे तो मेरा भाई कुछ भी यहाँ पर समझ में आपको नहीं आने वाला, ठीक है। फिर आप कमेंट में आके बोलोगे कि एप्लीकेशन फेक है, वीडियो फेक है, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लिया तो आप सभी को यहाँ पर बता देते हैं कि आपको इस एप्लीकेशन में अर्निंग कैसे करनी है, ठीक है। अर्निंग करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। करने के बाद 3 ऑप्शन आ जाएंगे लॉगिन करने के, मैं ईमेल पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल देनी है, आपको अपना पासवर्ड डाल देना और योर नेम डाल देना। नेम डाल दोगे उसके बाद लोग इस पर क्लिक कर देना। ऐसे क्लिक करोगे आपके ईमेल पर एक कंफर्मेशन आएगा, उसको आपको वेरीफाई कर लेना अपने ब्राउजर में ओपन करके और लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इनपुट कोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जैसे आपको 100 कॉइन्स मिलेंगे, इनपुट कोड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो बोलेगा कि 150 कॉइन्स हमें चाहिए, ठीक, करने के लिए। लेकिन आपके पास कितने कॉइन्स हैं, आपके पास है 100 कॉइन्स। तो इसको करने के लिए आपको एप्लीकेशन को एक बार क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद फिर से एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, और आपको यहाँ पर एक सर्वे का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने सर्वे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सर्वे पर, आपको यहाँ पर सर्वे आपको फिल करना होगा, ठीक है। आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर एज सिलेक्ट कर दो। एज सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी ये पूछेगा, ठीक है, आपकी एज क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। आपकी कॉलेज मतलब डिग्री आपने क्या किया है, मैरिड हो, ठीक है, ये सब आपको सिलेक्ट यहाँ पर कर देना। तो मैं आप सारी डिटेल्स जितनी भी हैं सारी फिल कर लेता हूँ। तो पिन कोड मांग रहे तो पिन कोड में डाल के यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद स्टेट मांग रहे तो स्टेट में डालकर यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे आप इतना काम कर देते हो तो आपको यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर 25 कॉइन्स जो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर फिल कर लिया। उसके बाद देखो हमारे यहाँ पर 25 कॉइन्स मिल चुके हैं। एक बार मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ मुझे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। तो देख सकते हो मुझे 25 कॉइन्स मिल चुके हैं। उसके बाद मेरे पास सामने एक और सर्वे यहाँ पर आ चुका, मैं स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ और इस सर्वे को भी मैं यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो भी ये पूछेगा, आपको ये नहीं है कि आपको ठीक ही जवाब देना है, आप कुछ भी यहाँ पर जवाब जो है आज दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी जो है आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ भी यहाँ पर आंसर यहाँ पर दे देना है, तो आपको यहाँ पर कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। आपको सिंपल सा 150 कॉइन्स करने, जैसे 150 कॉइन्स कर दोगे आप इन्वाइट कोड डाल पाओगे, और इन्वाइट कोड डालने के बाद आपको 250 कॉइन्स आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सारे की सारे एक बार फील कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एग्री सभी को कर देना और कंटिन्यू यहाँ पर कर देना है, ठीक है। जैसे आप इतना करोगे आपके जो कॉइन्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखो कॉइन्स यहाँ पर नहीं मिले, कोई बात नहीं। आपको वॉच वीडियो का एक ऑप्शन दिख रहा है, वॉच वीडियो पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पर वीडियो को वॉच करने का 5 कॉइन्स मिलेगा, ठीक है। हमारे कॉइन्स हैं 25, तो हमें देखनी होगी कुल 5 एड, 5 वीडियो हमें देखनी होगी। तो मैं 5 की 5 वीडियो आपको एक बार देख के यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे एक वीडियो देखी, 5 कॉइन्स यहाँ पर मिल चुके, तो मैं एक बार 5 की 5 वीडियो यहाँ पर देख लेता। मैंने 5 वीडियो देख ली, मुझे 150 कॉइन्स यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद इनपुट कोड पर आपको क्लिक करना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक कोड मिल जाएगा, ये सामने भी आपको दिख गया होगा, इस कोड को आपको फिल करना है। आपको यहाँ पर 250 कॉइन्स फ्री में मिल जाएंगे। आपके हो गए अब यहाँ पर 400 कॉइन्स, ठीक है, 400 कॉइन्स आपके हो गए। अब आपको रिवॉर्ड पर देखना है, तो हमें लगाना है 10 रुपये का पेटीएम कैश का रिडीम, लेकिन हमें चाहिए 1000। देखो और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं रिडीम लगाने के, लेकिन हम देख सकते हैं पेटीएम में 10 रुपये का रिडीम आप लगा सकते हो, लेकिन आपको चाहिए 1000 कॉइन्स। 1000 कॉइन्स करने के लिए आपको इन्वाइट फ्रेंड पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर इनविटेशन कोड है इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन हटा देना है, और आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऐप क्लोनर।
इस एप्लीकेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का इसका एपीके मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ज्वाइन करके। उसके बाद एम गेमर एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर सर्च करना है, एम गेमर, ठीक है। उसके बाद आपको इसका क्लोन बना लेना है। जैसे आप इसका क्लोन बना लोगे, आपको प्राइवेसी ऑप्शन में जाना है। प्राइवेसी ऑप्शन में जाके जो जो मैंने टिक कर रखे हैं उन पर आपको टिक कर देना है रैंडम करके, ठीक है। जो जो मैंने कर रखा सब पे क्लिक करके आपको रैंडम सिलेक्ट करके आपको जितने भी टिक कर देना है, और टिक करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन का बना लेना है एक क्लोन, ठीक है। तो मैं इस एप्लीकेशन का एक बार क्लोन बना लेता हूँ। तो एप्लीकेशन का क्लोन बन चुका है, बनने के बाद ये साइनिंग ऐप हो रहा है और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करके मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो इंस्टॉल जो है हो चुकी है, ओपन कर लेना है। और आपको कोई दूसरी ईमेल आईडी डालनी होगी, ठीक है, अदर ईमेल आईडी। तो कैसे अनलिमिटेड ईमेल आईडी बनानी है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो जो मैंने बताया वो डाल के आपको यहाँ पर साइनअप कर लेना है। और साइनअप करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर जो मैंने पहले बताया था वैसे ही एक कन्फर्मेशन कोड आएगा, उसको डाल दो। उसके बाद उसको कन्फर्मेशन कोड देखो हमारा आने ही वाला है। तो देखो हमारे ऊपर जो है, देखो कन्फर्मेशन कोड जो यहाँ पर आ चुका है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको आपको ब्राउज़र में ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसको वेरीफाई करवा लेना है। तो मैं यहाँ पर ओपन ही ब्राउज़र पर क्लिक करके यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखो मेरा जो है सक्सेसफुली वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। वेरीफाई जैसे आपका हो जाए यहाँ से आपको हटा देना है और आपको आ जाना है यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे तो देखो आपकी आईडी जो यहाँ पर क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इस अकाउंट में आपके 100 कॉइन्स हैं, तो आपको इनपुट कोड पर क्लिक करना है, लेकिन ये मांग रहा है 150 कॉइन्स। जो जो मैंने आपको अभी प्रोसेस बताया था, आपको कुछ सर्वे पूरे करने हैं, आपको स्क्रीन को मतलब क्लोज करके, एप्लीकेशन क्लोज करके और वीडियो को वॉच करना है, तो आपको यहाँ पर कुछ कॉइन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। 50 कॉइन्स या 150 कॉइन्स आपको यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही कॉइन्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सारा कुछ देख के यहाँ पर देखो मेरे 150 कॉइन्स यहाँ पर हो चुके हैं। मैंने वीडियो देख ली, सर्वे पूरे कर लिया। अब इनवाइट इनपुट कोड पर आपको आना है और इन्विटेशन कोड पर आपको ओरिजिनल अकाउंट का जो इन्विटेशन कोड है, देखो मेरा ओरिजिनल अकाउंट ये रहा, ठीक है। मेरा इनविटेशन कोड मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो मेरा इनविटेशन कोड, मैं नीचे आता हूँ, इनवाइट फ्रेंड पर आता हूँ और मैं अपना इनविटेशन कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं इनविटेशन कोड कॉपी करूँगा उसके बाद इनविटेशन कोड मैं अपना कोड यहाँ पर डाल दूंगा, और डालने के बाद अप्लाई पर आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दे। जैसे अप्लाई पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 400 कॉइन्स यहाँ पर फ्री में मिल चुके हैं, और यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो 400 कॉइन्स थे जो कि 500 कॉइन्स मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर अनलिमिटेड बार करना है। अनलिमिटेड बार कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो अनलिमिटेड बार करने के लिए एम गेमर जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इस एप्लीकेशन को सबसे पहले करना होगा आपको अनइंस्टॉल, ठीक है। एम गेमर एप्लीकेशन आपको अनइंस्टॉल मार देना है, और अनइंस्टॉल मारने के बाद क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको अनइंस्टॉल मार दोगे, अनइंस्टॉल मारने के बाद आपको ऐप क्लोनर में जाना है, और ऐप क्लोनर में जाने के बाद आपको एम गेमर एप्लीकेशन का फिर से क्लोन बना लेना है, और कोई अदर जीमेल आईडी से आपको अकाउंट बनाना है, और अपना जो ओरिजिनल अकाउंट का इनविटेशन कोड आपको डाल देना है। जैसे डाल दोगे आपको यहाँ पर 100 कॉइन्स करके यहाँ पर एक रुपया यहाँ पर मिलता रहेगा। तो 100 कॉइन्स की जो वैल्यू वो एक रुपया होती है, ठीक है, एक रुपया करके आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं आपको अनलिमिटेड जीमेल अकाउंट फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अनलिमिटेड जीमेल फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के लिए देखो सिंपल सा, यूट्यूब पर जाओ। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट अनलिमिटेड, और आपको लिखना है हाउ टू क्रिएट अनलिमिटेड फेसबुक अकाउंट, ठीक है। आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी, किसी वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो, पर आपको पता चल जाएगा कैसे अनलिमिटेड फेसबुक अकाउंट और जीमेल अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।